कोविड-19 जिसको हम आम जुबान में कोरोना वायरस कहते हैं, इसकी वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा आपने। ये दिमाग में जरूर सवाल आया होगा कि वैक्सीन होती क्या है और इसको लगवा लेने से क्या फायदा होता है। अगर हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डिस्कस करें तो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी की आर्मी अलर्ट हो जाती है और इस वायरस को मारने के लिए एक खास ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को तैयार करती है। ये जो वायरस बॉडी में एंटर हुआ है इसको आप कहते हैं एंटीजन या फॉरेन बॉडी, और जिन सोल्जर्स की जिम्मेदारी है इसको खत्म करने की उनको हम कहेंगे एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज वायरस को खत्म करने के बाद खुद बॉडी में मौजूद रहेंगी और जब भी ऐसा कोई वायरस बॉडी में दोबारा आएगा तो ऑलरेडी मौजूद ये एंटीबॉडीज जो इस जैसे वायरस से पहले फाइट कर चुकी हैं अब इस वायरस का आराम से मुकाबला कर लेंगी। अगर हम बात करें कोविड की तो कोविड भी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, बट वी कैन नॉट वेट फॉर द वायरस टू अफेक्ट आवर बॉडी सिंस इट कैन बी रियली डेंजरस। इसलिए द डॉक्टर्स इंजेक्ट अ डेड वायरस इन द बॉडी बिफोर टाइम। दिस डेड वायरस कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विदाउट कॉजिंग डिजीज। इसका फायदा ये होगा कि अब जब कोविड आपकी बॉडी को टारगेट करेगा तो ऑलरेडी मौजूद एंटीबॉडीज इसको फाइट करने के लिए तैयार होंगी। ये जो डेड वायरस हमने बॉडी में इंजेक्ट किया इसको हम कहते हैं वैक्सीन, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे वैक्सीनेशन। तो समझ तो आप गए होंगे दैट वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग इन एक्टिव पैथोजेंस और एंटीजेंस इन योर बॉडी जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी टू फैसिलिटेट योर इम्यून सिस्टम। बाकी डिजीजेस की तरह कोविड की भी वैक्सीन है और ये बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है। तो इसके बारे में आपने जितनी भी अफवाहें सुनी हैं इन पे ध्यान ना दें और अपने आप को खुद एजुकेट करें।